हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रक्षाबंधन की लाई हूँ फेमस मिठाई घेवर, जो कि रक्षाबंधन की सबसे फेमस मिठाई है। बच्चों को भी पसंद है, बनाइए। आइए तो चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ। इधर दोस्तों, हम लोगों ने रबड़ी बनाने की तैयारी कर ली है। कढ़ाई में 1 चम्मच घी ले लिया है। घी लेने के बाद इसमें हम दूध डाल देंगे। फुल क्रीम दूध लेना है हम लोगों को। 1 लीटर दूध ले लिया है। ये देखिए दोस्तों, दूध हमने चढ़ा दिया है। गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। अब दूध को बॉयल होने देंगे। बॉयल होने के बाद जो दूध पे मलाई आएगी, उसको हम साइड में करते जाएंगे। रबड़ी का बनाने का सही तरीका यही होता है, दूध पे जो गर्म होने के बाद मलाई जो आए वो हमें साइड करते जाना है। बाकी आप इंस्टेंट अगर बनाना चाहते हैं तो मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं, जैसा अवेलेबल, जैसा आप लोग को ठीक लगे उस तरह से। ये देखिए दोस्तों, तो मलाई आ गई है, तो ये मलाई को हम ऐसे साइड में कर लेंगे। साइड करते जाएंगे, फिर मलाई आएगी, फिर साइड कर लेना है इसको। ऐसे करते जाना है, बॉयल आता जाएगा, मलाई आती जाएगी, फिर साइड से कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, 1 चम्मच डाल देंगे इलायची पाउडर। आप इसमें इसी समय पे आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करें, अगर आपकी इच्छा हो तो। वैसे जब ये रबड़ी जब उसके ऊपर लेयर लगाते हैं घेवर के ऊपर, तब क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट ऊपर से डालेंगे। डालना चाहे डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा, मुँह में आएगा क्रंच। देखिए दोस्तों, मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। ये देखिए हमारी रबड़ी बन के तैयार है। हमें इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, क्योंकि ये रखे रखे भी ठंडी अभी होगी ना, तो ये खुद ही इस तरह से रबड़ी के, ये देखिए ऐसा मोटे मोटे से दाने जैसे हैं इसमें। ये मलाई इकट्ठी करने से होता है, मलाई जो ऊपर लेयर आती है उसको ऊपर लगाते जाओ तो इस तरह से बन जाती है। ये हमारी रबड़ी बन के तैयार है दोस्तों। आके चलते हैं अपने घेवर की तरफ। इधर बना लेते हैं घेवर के लिए चाशनी। दोस्तों, 1 कप ले लिया मैंने चीनी। आधा कप और ले लेंगे, 1.5 कप हो गई चीनी हमारी। इसमें डालेंगे 1 कप हम पानी, यही वाला कप पानी डालेंगे इसमें। चाशनी बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी है, हमारे घेवर में चाशनी को हम डिप करेंगे तो और जल्दी बन जाए चाशनी। कोई इतना वो नहीं कि समय लगे इसमें, और झटपट बनने वाली, बस में बॉयल आ जाए। इलायची पाउडर डाल सकते हैं। दो इलायची मैं इसमें तोड़ के डाल दूंगी। ये मैंने 2 इलायची डाल दी है तोड़ के। बस इसको बॉयल होने देंगे और हल्की सी चिपचिपी हो जाए, मतलब तार हमें नहीं बनाना है, बस हल्का सा अच्छे से ही बॉयल हो जाए। फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तब तक चलते हैं हम अपने घेवर की तरफ। इधर हमें कोई बड़ा बर्तन ले लेना है, कोई भी बाउल ले लीजिए या परात ले लीजिए जिसमें हम आटा गूंथते हैं। ये ले लिया है हमने 1/2 कप, 1/2 कप से थोड़ा कम है, 1/4 समझ लीजिए। ये ले लिया देसी घी, देसी घी को हम इसी में डाल देंगे। मेल्टी इतना गर्मी है, खुद ही मेल्ट हो जाता है, तो इसको अगर आपके पास जमा हुआ हो ऐसा कि
तो आप इसको गर्म भी कर सकते हो। इधर ले ली हमने ये बर्फ, तो बर्फ इसमें डाल देंगे, हाथों से ऐसे मैश कर देंगे, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर इसका हो जाएगा। इस तरह से करना है। जैसे ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए हम लोग बर्फ को निकाल देंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, हाथों से, हाथ साफ करके अच्छे से हाथों से ही हमें इसे मैश करना है, ताकि ये बर्फ हम निकाल देंगे। बचा हुआ पानी जो है इसको भी हमें निकाल देना है। ये देखिए निकल गया पानी, इसको फेंक देंगे, इसकी आवश्यक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें दूध की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो कैसे बताती हूँ मैं आपको को। अभी इसको फेंटना है आपको, तब तक बिल्कुल ही क्रीमी एकदम मक्खन की तरह नहीं हो जाता है, तब तक इसको छोड़ना नहीं है, फेंटते रहना। देख सकते हैं दोस्तों क्रीमी फॉर्म में कैसे, ये देखिए कैसा हो गया है एकदम से। जब हमारा घी इस फॉर्म में हो जाए, ये देखिए गिर भी नहीं रहा नीचे, है ना। हमने ले लिया मैदा, तो ये एक आधा कटोरी से थोड़ी ज्यादा है, बड़ी कटोरी है, ले लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी तो हम चम्मच से इसमें डालेंगे, जैसे जैसे मतलब डालते जाएंगे वैसे वैसे मिलाते जाएंगे। और आप लोग एक चीज का ध्यान रखिए दोस्तों, इकट्ठा मैदा नहीं डालनी है हम लोगों को। जैसे एक चम्मच डाला तो थोड़ा दूध डाला, फिर मिलाया, एक चम्मच डाला थोड़ा दूध, तो हम दो चम्मच पहले लेंगे तो मिलाएंगे। इधर ले लिया है ठंडा दूध, फ्रिज का रखा लेना है एकदम चिल्ड, तो थोड़ा थोड़ा मिलाना है। मिलाते जाएंगे और मैदा डालते जाएंगे। चार पांच चम्मच मैंने खट्टी डाल दी है। आप हाथों से भी फेंट सकते हैं, इससे अच्छे से मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसे दिखाया आप लोगों को। इसको ऐसे ही फेंटना है इसमें। दूध हमारा एक कप था, हमने पूरा डाल दिया है, और ये मैदा भी हम इसमें पूरी डाल देंगे। एक चम्मच हमें बेसन भी डालना है, एक चम्मच बेसन डाल देंगे इसी में, इसको भी मिला लेंगे। मिलाते मिलाते धीरे धीरे इसमें अब हम पानी डालेंगे, क्योंकि हमें इसे पतला करना है। लम्स नहीं रहने चाहिए, अगर हम पानी पहले डाल देंगे या दूध ज्यादा डाल देते तो लम्स रह जाते, वो मिल नहीं पाते अच्छे से। तो अभी हमें अच्छे से इसको फेंट लेना है, बढ़िया से फेंटने के बाद
सारे लम्स खत्म हो जाए तब हम इसमें पानी डालेंगे धीरे धीरे करके। बैटर देखिए ऐसा हो गया है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पानी डालेंगे। मैंने 2 चम्मच मैदा और डाली थी, पूरा 1 कटोरी मैदा है मेरी। धीरे 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 मिलाएंगे इसको। पानी ठंडा है एकदम ठंडा, चट ले लिया मैंने, ठंडा ही पानी लीजिएगा दोस्तों। इस तरह से खूब अच्छे से फेंटना है इसको। अभी तो उसको और हमें पतला करना पड़ेगा, क्योंकि जो घेवर बनता है वो थोड़ा पतला पतला बनता है, पतला होता है थोड़ा सा। तेल में गिरता है, घी में, तेल में, जिसमें भी बनाए तो उसमें। अभी आपको दिखाऊंगी तो पता चल जाएगा किस तरह से होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, 1 कप पानी पहले लिया था मैंने, 1 कप पानी दोबारा लिया है, ये 2 कप पानी अभी हमें और लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो इसको जो हम जैसे दिखाएंगे इस तरह से, ये देखिए देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पानी की तरह गिरना चाहिए ताकि तेल में जब गिरे तो इसके छेने जाली अच्छी सी जाली आए। हमारी घेवर आपने देखा होगा उसमें जाली होती है खूब, तो वो जाली जब आती है तो थोड़ा सा पतला होता है, गाढ़ा रहेगा तो जाली नहीं आएगी। अभी थोड़ा सा और करेंगे इसको, पानी एकदम ठंडा ठंडा लेना है ताकि, और इसको जितना बैटर हम बनाएंगे उतना ही, जितना यूज हमें घेवर बनाना होगा उतना ही हम बाहर रखेंगे जरूरत के अनुसार, बाकी हम फ्रिज में बढ़ा देंगे। देखिए दोस्तों, पराठा हमारा बन गया है, मुझे तो अभी भी गाढ़ा लग रहा है ये, तो हमें लगता है 2.5 कप से 3 कप पानी लग जाएगा आराम से, 1 कटोरी मैदा है ना। तो थोड़ा सा और डालेंगे इसमें, अब पूरा सही से बैठने का। ये देखिए लम्स बिल्कुल नहीं रहे हैं, इसको छान लेंगे ताकि आप ये ना हो कि हाँ लम्स रह गए हैं उसमें, लम्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल। एक बार स्ट्रेन कर लेंगे तो इससे क्या है सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, हाँ भाई अब लम्स नहीं तो अब अच्छे से बनेगा, क्यों गलतियां करनी है। हमने ले लिया एक जग, स्ट्रेन कर लेंगे, स्ट्रेन करके इसको फ्रिज में बढ़ा देंगे, जितना बनाएंगे उतना ही बॉटल में करेंगे, बॉटल या चमचे जिससे आप बंद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अच्छे से होंगे, आप लोगों को पता चलेगा इसमें, हम लोग कह रहे थे लम्स नहीं है, देखिए थोड़े बहुत भी रह जाते हैं ना तो उससे फर्क पड़ता है बनाने में। फिर ये देखिए दोस्तों, मैंने स्ट्रेन कर लिया है, स्ट्रेन करने के बाद है ना, अब इसको क्या करेंगे, आप लोगों के पास अगर ऐसी बॉटल हो जैसे जलेबी इमरती जो बनाना बनाते हैं जिससे, तो मेरे पास ये पड़ी थी एक बहुत दिनों की, तो मैंने सोचा इसी में कर लेते हैं, तो थोड़ा इसी में हम करके निकाल लेंगे बनाने के लिए, बाकी हम फ्रिज में उठा के रख देंगे, क्योंकि इसको ना ठंडा ही हमें बनाना है। इधर ले लिया है मैंने देसी घी, आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं जैसा आप लोग को अवेलेबल। देखिए गर्म हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा पहले बैटर डाल के देखेंगे। अभी थोड़ा सा और गर्म हो, ये अच्छे से गर्म हो जाएगा,
अब बनाना। गैस की फ्लेम थोड़ी सी ज्यादा कर दी है, फुल कर दी है मैंने, देखते हैं दोस्तों। इस तरह से धीरे धीरे डालते जाइए। इस तरह से बनाते जाइए और इधर ये बीच में जो होल है उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, नहीं तो फिर ये सिमटता जाता है ना, इसको बीच में थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो धीरे धीरे डालते जाना है। बड़ा सावधानी से दोस्तों करना है ये काम, तो तेल भी और घी की बात होती है ऊपर आ जाता है। तो पतीला मैंने बहुत छोटा लिया है, बड़ा नहीं लिया है, मैं तो बना चुकी हूँ कई बार, आप लोग बनाइएगा तो थोड़ा सा जो भी बर्तन लीजिएगा थोड़ा बड़ा लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों अच्छे से अपने आप ही पतीले में देखिए छोड़ दिया है, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए उसको थोड़ा सा अंदर चाकू की सहायता से या किसी चम्मच की सहायता से आप अंदर करके इसको इसको निकाल लेंगे दोस्तों। हो गया ही। ये देखिए दोस्तों हमने निकाल लिया है, निकालने के बाद इसको एक छन्नी में निकाल लीजिए ताकि जो ऑयल हो एक्स्ट्रा ऑयल वो हमारा नीचे। ये देखिए दोस्तों हमने दूसरा घेवर बना लिया है, ये भी निकाल लिया बना के, ये थोड़ा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो गया था, ये हल्का लाइट उसमें वाइट में है तो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, ऐसा कलर रहना चाहिए इसका दोस्तों। देखिए कितना अच्छा बना है, इस तरह से हम सारे बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमने तीन घेवर बना लिए हैं, देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब इसको हम जिस तरह से घेवर हम खाते हैं उस तरह से इसको लगा लेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह से इसको लगाना है। ये देखिए हमने अभी गर्म है दोस्तों तो डर लगता है उठाने में इसको, देखिए सारा ऑयल नीचे हो गया है, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था इसका सारा नीचे आ गया है। तो चाशनी हम डालेंगे, चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए। देखिए चाशनी हमने इसमें निकाल ली थी बर्तन में, तो इसको क्या करेंगे, ये हल्की गुनगुनी है ठंडी नहीं है ये, ठीक है, इसको ऐसे इसको पोर कर लेंगे। जो हमने रबड़ी बनाई है वो उस पे लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों जो हम लोगों ने रबड़ी बनाई थी, मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि ये मैंने बनाई, तो ये देखिएगा आप कितनी गाढ़ी हो जाएगी, तो देखिए उसका टेक्सचर कितना गाढ़ा हो गया है, कितनी मतलब किस तरह से मैं बताऊँ आपको। ये देखिए तो इस पर पोर कर लेंगे हम अपने घेवर पे, आप घेवर इससे मोटा भी बना सकते हैं लेकिन हमने थोड़ा सा पतला रखा है। खाने में अच्छा लगे, मोटा भी अच्छा लगता है, और थोड़ा लेयर मोटी रखें तो आप थोड़ी देर इसको धीमे धीमे बनने दें
और थोड़ा लंबा प्रोसीजर चलता है, तो हमने थोड़ा जल्दी से इस तरह से आप इसको डेकोरेट कर लेंगे। दोस्तों सावन है, सावन में घेवर तो बनना पॉसिबल है, सावन में एक चीज और है, रक्षाबंधन भी होती है। रक्षाबंधन की फेमस मिठाई ये बहन अपने भाइयों के लिए ले जाती है, सभी को पसंद है, बच्चों को ये घेवर सभी को पसंद होता है। अच्छे से पोर कर लेंगे इसको, बढ़िया से करेंगे डेकोरेट हम, ड्राई फ्रूट या जो देखिए थोड़ा सा बादाम मैंने छोटा छोटा महीन महीन कूट लिया है, आप इससे डेकोरेट कर दीजिए। पिस्ता बादाम जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप, चाहे तो टूटी फूटी हो, बच्चों को जो पसंद हो। मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट खाने में नखरे करते हैं, बादाम तो खा लेते हैं वो लोग, इसलिए मैंने बादाम ही डाली है, बाकी टूटी फूटी भी एक टूटी फूटी से कर देंगे। तो देखिए दोस्तों बताइए आप लोगों को कैसा लगा है, मैंने ये जो घेवर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग को ये मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए मैं आगे एक घेवर आप लोग को और दिखाती हूँ डेकोरेट करके दूसरा, ताकि आप लोगों को ये थोड़ा ज़्यादा गोल्डन हो गया था, गोल्डन ब्राउन हो गया था, इसको भी इसी तरह से पोर कर लेंगे। पूरा इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों अलग अलग तरीके से मैंने डेकोरेट करके दिखाया आप लोगों को, बना के देखिएगा दोस्तों। ये लीजिए आप लोगों को भी खिलाती हूँ, टेस्ट करके देखिए दोस्तों, बनाइएगा जरूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और नीचे दी गई बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।